யாரோடும் காணாத தூய்மையே. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब. बात करेंगे आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म हे सनामिका को लेकर, जो कि रोमांटिक के अलावा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म भी है. जी हाँ, हे सनामिका टाइटल काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और लवली भी तो है ही यार. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप तमिल सिनेमा में तनिम बोलते हैं ना, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, तमिल लैंग्वेज आपको आती है, तेलुगू आती है, कन्नड़ आती है, तो आपको देखनी चाहिए यार हे सनामिका. फिल्म काफ़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाओगे और सही मायने में फिल्म की स्टोरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है यार. अब बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर कि फिल्म हिट हुई या फिर फ्लॉप, क्या वर्डिक्ट मिल रहा है इस फिल्म को. रीडिंग में नज़र आ रहे हैं दलकेर सलमान, साउथ इंडिया के सुपरस्टार. वेल, ग्रुप के बाद से ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में आपको लीडिंग में नजर आएंगी आदिति राव हादरी और काजल अग्रवाल. वहीं जो बजट है फिल्म का वो बताया जा रहा है 22 करोड़ प्लस. फिल्म को रिलीज़ हुए महज 6 दिन हुए हैं, लेकिन कमाल की बात यह है फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है. जी हाँ, 6 दिनों के अंदर अंदर जो फिल्म का कलेक्शन है वो 30 करोड़ क्रॉस कर चुका है. तो आप समझ सकते हो यार कि दलकेर सलमान का फैन बेस स्टारडम किस कदर भारी पड़ता हुआ जा रहा है. जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में 2-4 करोड़ कमा पा रही हैं, वहाँ पर साउथ की फिल्में 5-6 दिनों में अपना हिट का वर्डिक्ट निकाल लेती है यार. तो आप समझ सकते हो कि साउथ का क्रेज आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा में कितना भारी होने वाला है. ये तो तब है जब ये फिल्म हिंदी डब में रिलीज़ नहीं हुई, केवल तमिल में ही हुई है फिलहाल तो. वेल, आपकी वीडियो को लेकर, मूवी को लेकर क्या है राय, कमेंट में मेंशन कीजिएगा. वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना. बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग.